भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत सोमवार को स्थानीय अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट संपन्न हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने को कहा। आयोजित कार्यक्रम को क्लस्टर प्रभारी गोपी कृष्ण नीमा और उज्जैन संभाग प्रभारी अजय ठाकुर के साथ ही नीमच विधायक, मनासा विधायक और सांसद ने संबोधित किया। मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि आयोजित कार्यशाला में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट इस्तेमाल पर बात की गई। सोशल मीडिया से जुड़े कार्यकर्ताओं को बताया गया कि सिर्फ अच्छा कंटेंट ही लोगों के साथ जुड़ाव पैदा कर सकता है। हमारे अजय सिंह जी ठाकुर साहब जो सोशल मीडिया का काम देखते हैं संभाग से, आज वो बता रहे हैं। और हमारे लोकप्रिय सांसद जो राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष है, जिनको सोशल मीडिया का अच्छा नॉलेज है, माननीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी पाटीदार जी, और सोशल मीडिया के भाई सुराना जी, भाई झाला जी, और सभी लोग मिलकर और आज कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। जो नीमच मंदसौर के जो कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, और इनके माध्यम से हम आज जो हमारी सरकार जो काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में जो काम किए हैं उनको हम नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं उनको हम नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज हर हाथ में मोबाइल है, मोबाइल भी स्मार्ट मोबाइल, उसके माध्यम से हर व्यक्ति जो जो काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, वो घर घर तक पहुँचाने। पहले यदि हम कार्यक्रम करते थे, समाचार पत्र में छपा नहीं छपा, कितने लोगों ने पढ़ा, आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम नीचे तक पहुँचा रहे हैं। और इसकी कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई, जो सोशल मीडिया का काम देखते हैं उनको और भी गुड़ देने का काम भाई अजय सिंह जी ठाकुर साहब और सांसद सुधीर गुप्ता जी कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा सब लोगों से कि 2023 और 2024 में वापस कमल खिलाने के लिए सोशल मीडिया घर घर में के माध्यम से, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम हमारी बात पहुँचाएँ, जनता तक पहुँचेगी। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।